सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन फिल्म का क्रेज अब भी ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है और फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान ने गदर 2 की कमाई को काफी प्रभावित किया, लेकिन सनी की फिल्म ने शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज के आगे घुटने नहीं टेके और जवान नाम के तूफान का डटकर मुकाबला किया। फिलहाल रिलीज के 7वें हफ्ते में पहुंच चुकी है गदर 2 और अब भी ये टिकट खिड़की पर खूब कमाई कर रही है। चलिए जानते हैं गदर 2 ने अपनी रिलीज के 46वें दिन यानी 7वें सोमवार को कितना कारोबार किया। गदर 2 की कमाई की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 284.63 करोड़, दूसरे हफ्ते में 134.47 करोड़, तीसरे हफ्ते में 63.35 करोड़, चौथे हफ्ते में 27.55 करोड़ रुपए, वहीं 5वें हफ्ते पर 7.28 करोड़ रुपए, छठे हफ्ते में 4.72 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 7वें शुक्रवार को फिल्म ने 34 लाख, 7वें शनिवार को 47 लाख और 7वें संडे की कमाई रही फिल्म की 67 लाख रुपए। इसी के साथ अब फिल्म के रिलीज के 46वें दिन यानी 7वें सोमवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। एक रिपोर्ट की अगर माने तो गदर 2 ने रिलीज के 46वें दिन यानी 7वें सोमवार को 51 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इसी के साथ गदर 2 की 46 दिनों की कुल कमाई अब 523.99 करोड़ रुपए हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की जवान ने बवाल काटा हुआ है, बावजूद इसके गदर 2 की कमाई पर ब्रेक नहीं लग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर और कितने दिन टिक पाती है।